पिपरिया का नवरात्रि उत्सव प्रदेश में अपनी अलग ही पहचान रखता है। नगर के हृदय स्थल मंगलवारा चौक पर दुर्गा मंदिर में विराजी जगत जननी माँ भक्तों की मनोकामना पूरी करती है। यहाँ माता जी का मंदिर है। प्राचीन काल में जहाँ माता जी का चबूतरा था, जिस पर एक त्रिशूल व एक खंभा गड़ा हुआ था, जिसके श्रद्धालु पूजा करते थे। वर्ष 1975 में आपातकाल के दौरान सड़क किनारे का अतिक्रमण हटाने के लिए तत्कालीन अधिकारियों और जिम्मेदारों ने दो मजदूरों से इस पवित्र चबूतरे को तोड़वा दिया, जिसके बाद अजीब घटनाएं घटी। एक वर्ष के भीतर ही संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों की मृत्यु हो गई और दोनों मजदूरों के हाथ पैर टूट गए। लोगों ने इसे माता का प्रकोप माना। इसके बाद लोगों का भक्तिभाव और श्रद्धा बढ़ गई। सन 1990 में श्रद्धालुओं ने संगमरमर की दुर्गा प्रतिमा स्थापित कर उसी चबूतरे पर भव्य मंदिर बनाया। आज यहाँ भव्य मंदिर है, जहाँ नियमित पूजा अर्चना की जाती है। नगर के लोग हर शुभ कार्य की शुरुआत जगत जननी के दरबार में प्रणाम करके करते हैं। नवरात्र के दिनों में माँ की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। यहाँ विशेष पूजा अनुष्ठान होते हैं। अष्टमी पर माता के श्रृंगार की भव्यता और तेज देखते ही बनता है। नवरात्रि के त्योहार में यहाँ भक्तों की भीड़ काफी बढ़ जाती है। पिपरिया का नवरात्रि उत्सव और दशहरा जिस ऊंचाई पर पहुंच चुका है, वैसा उत्सव जबलपुर और भोपाल के बीच अन्य स्थानों पर देखने को नहीं मिलता। नवरात्रि पर नगर में 62 से अधिक स्थानों पर दुर्गा समितियों द्वारा माँ जगत जननी की प्रतिमा की स्थापना की गई है। प्रायः सभी पंडालों में हर दिन विभिन्न विषयों पर झांकी सजाई जाती है, जिसे देखने आसपास के दूर दराज के ग्रामीण पहुंचते हैं। यहां गायत्री मंदिर में भी 9 दिनों में विशेष अनुष्ठान किया जा रहा है। पिपरिया से सुशील पटवा की रिपोर्ट।